5 मिनट लगेंगे हमें. क्वेश्चन है what is an isothermal process जो मैंने परसों ही बताया, ये मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पता है what is an isothermal process, लेकिन ये मुझे पढ़ाना है इसके साथ जो क्वेश्चन है. Give the necessary conditions. Give the necessary conditions for an isothermal process. For an isothermal process. हो चुप करो. क्या है पहला क्वेश्चन? What is an isothermal process? Give the necessary conditions for isothermal process. दूसरा है what is an adiabatic process? Give the necessary conditions for adiabatic process. हाँ. आइसोथर्मल तो और एडियाबैटिक तो मैंने आप लोगों से डिस्कस पहले ही किया. आइसोथर्मल में क्या 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 चेंज होता है, डिफाइन कैसे करोगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स या चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स. शाबाश, देखो ये सब पता है आपको, लेकिन अब कंडीशंस क्या है? इधर सुनो जरा, तुम लोग मुझे बता दीजिए. पहली कंडीशन अभी मैंने इससे पहले ही बताई थी, कब टेम्परेचर सिस्टम का सेम रहेगा विद इट सराउंडिंग. हाँ, कब रहेगा वही तो मैं बता रहा हूं, कब रहेगा सेम टेम्परेचर, कब आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में सराउंडिंग. हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, कब कब आएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. हाँ वही, कब करेंगे ये सिस्टम और सराउंडिंग तो है. मुझे बताओ क्या मुझे रखना चाहिए इनके वॉल. पहली कंडीशन यही है, इधर सुनिए. द वॉल्स ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट कंडीशन है, the heat should be transferred easily from the system to the surrounding to the system so that they will come out at this is possible only if the walls of the system should be perfectly conducting. वही हुआ क्या? पहली कंडीशन है the walls of the system should be perfectly conducting. डायथर्मिक उसी को बोलते हैं, perfectly क्यों perfectly conducting? ताकि heat easily कहां से कहां transfer हो. इसका मतलब system और surrounding हमेशा किस में रहेंगे? जब temperature रहा same तो उसी को क्या, कौन सी प्रोसेस? अब जरा तुम लोगों को पेपर में अगर आएगा नेसेसरी कंडीशन क्या है, क्या है पहले नेसेसरी कंडीशन? हीट शुड इजिली बी ट्रांसफोर्ड कहां से कहां, आर सराउंडिंग टू द, दिस इज पॉसिबल व्हेन व्हेन द वॉल्स ऑफ द सिस्टम शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग. याद रहा. सेकंड देखो, देयर शुड बी सफिशिएंट टाइम इन एक्सचेंजिंग द एनर्जी बिटवीन द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू द सिस्टम. इसका मतलब होगा ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? स्लो प्रोसेस. किस में? आइसोथर्मल प्रोसेस. क्यों स्लो प्रोसेस होनी चाहिए? ताकि हीट इजिली से कहां ट्रांसफर हो. हाँ, यह याद रखना क्या, जो टाइम इंटरवल है वो इसमें ज्यादा होना चाहिए. क्या होना चाहिए? किस में एक्सचेंज करने में? हीट एनर्जी कहां से कहां. हाँ ये याद रखना. मगर अगर आप लोग एडियाबैटिक बताओ, एडियाबैटिक में कौन सी तीन चीजें कांस्टेंट नहीं रहती? वो सारे चेंज होते हैं, ठीक है? सिर्फ क्या रहती है? हीट
हीट कांस्टेंट, अगर हीट कांस्टेंट रखनी है तो वॉल्व जरूर क्या रखने हैं? एडियाबैटिक का मतलब हो गया परफेक्टली इंसुलेटेड। शाबाश बेटा, पहली कंडीशन बनाओ। अब मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं एडियाबैटिक के लिए द वॉल्स ऑफ द सिस्टम शुड बी परफेक्टली इंसुलेटेड सो दैट हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम। शाबाश। देखो सेकंड, द टाइम ड्यूरिंग द कंप्रेशन और एक्सपेंशन, चाहे गैस एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा, ये प्रोसेस होनी चाहिए क्विकली, ताकि इस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंप्रेशन इसको कोई भी टाइम नहीं मिलना चाहिए, ताकि ये एक्सचेंज कर सके किसके साथ? हीट सराउंडिंग के साथ। इसको टाइम देयर शुड बी, दिस प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, सो दैट देयर शुड बी नो टाइम इन एक्सचेंजिंग द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग कंप्रेशन और एक्सपेंशन। उसमें मिलना चाहिए टाइम, इसमें टाइम नहीं मिलना चाहिए। अगर इसमें टाइम मिल जाएगा, ये एक्सचेंज करेगा हीट किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। किसके दौरान? एक्सपेंशन या कंप्रेशन के दौरान, तब तो ये फिर से बनेगा आइसोथर्मल, लेकिन इसको टाइम नहीं मिलना चाहिए। शाबाश बेटा, जरा मुझे बताओ आइसोथर्मल के लिए दो कंडीशन है, उन्हीं को रिपीट करो फिर। किसके लिए बोलो फटाफट? शाबाश, इजीली। शाबाश। सेकंड, देयर शुड बी सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज द हीट बिटवीन द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन। शाबाश, बनाओ अब एडियाबैटिक परफेक्टली इंसुलेटिंग की परफेक्टली कंडक्टिंग। शाबाश, हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन। शाबाश। सेकंड, दिस प्रोसेस शुड बी, दिस प्रोसेस शुड बी टेकिंग प्लेस क्विकली, सो दैट हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ये याद रखें, ये कंडीशंस है, जरूरी है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक, याद रखा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक के लिए कंडीशन है, यही आएगा पेपर में। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक तो सबको पता है, कंडीशंस आप लोगों को दो दो लिखनी है, दो नंबर आएंगे, याद रखना। ये भी एक क्वेश्चन था।